ग्वालों की निकली टोली बारिश में जगह जगह फोड़ी गई मटकी। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा जिले के पठारी में हिंदू उत्सव समिति ने पारंपरिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। पारंपरिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। प्रातः काल विशेष मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर में विशेष पूजन और अनुष्ठान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। श्री राधा कृष्ण पोद्दार मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो श्री बड़ी माता मंदिर, श्री जानकी साहू समाज मंदिर, श्री हर्षद माता मंदिर, संजय नगर, श्री करेली धाम, तालाब रोड, मुख्य बाजार, श्री राम जानकी राज मंदिर, बस स्टैंड होते हुए श्री बड़ी माता मंदिर प्रांगण में समापन हुआ। इस दौरान बारिश के बीच जगह जगह पर दही मटकी बांधी गई थी, जिसे ग्वालों की टोलियां ने दही मटकी फोड़ी। थाना ग्राउंड, तालाब रोड, झंडा चौक, छोटी माता मंदिर, बस स्टैंड पर मटकियां फोड़ी गयी। इस दौरान लोगों में काफी उत्साह और उमंग नजर आया। कई श्रद्धालुओं को वासुदेव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने श्री बाल कृष्ण को सिर पर धारण कर नगर भ्रमण कराया। भगवान श्री कृष्ण की जगह जगह आरती उतार कर पूजा अर्चना की गई। वहीं जिला पंचायत सदस्य रानी अहिरवान ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। दही मटकी फोड़ते समय कुछ युवाओं को मामूली चोटें भी आईं। इस दौरान थाना प्रभारी ऋतुराज सिंह सहित पुलिस प्रशासन और हिंदू उत्सव समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सजग नजर आए। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रिझारिया, जन्माष्टमी चल समारोह के अध्यक्ष अजय सिंह ठाकुर, गढ़ी पंचायत प्रतिनिधि अखिलेश पंथी आदि श्रद्धालु मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।